हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से धर्मपुर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण वॉकमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सौजन्य से आयोजित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मपुर स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में BDO धर्मपुर सुभाष अत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि CDPO वीना कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रदेश कौशल विकास निगम के संयोजक नरेंद्र अत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। प्रदेश कौशल विकास निगम के संयोजक नरेंद्र अत्री ने बताया कि RPL प्रशिक्षण कार्यक्रम वॉकमैन इंडिया के सहयोग से जिला के विभिन्न खंडों में करवाया जा रहा है। धर्मपुर के प्रशिक्षण शिविर में लगभग 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्किल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से महिलाओं के कौशल में विकास होगा, उनका ज्ञान वर्धन होगा। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में इस ज्ञान को बांटकर समाज के विकास में योगदान देंगी और स्वावलंबी बनेगी। मैं नरेंद्र त्यागी, जिला संयोजक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुर में दो दिवसीय वर्कशॉप आंगनबाड़ी वर्कर के लिए लगाया जा रहा है। ये जो ट्रेनिंग है इसको RPL ट्रेनिंग बोलते हैं और ये हमारा यहाँ पे जो शुरू हुआ है दो दिन चलेगा और उसके बाद इन आंगनबाड़ी वर्कर को असेसमेंट के बाद इनको सर्टिफाई किया जाएगा। इस ट्रेनिंग का पर्पज़ है कि इनको आंगनबाड़ी वर्कर्स को थोड़ा सा ट्रेन करके अपडेट करके जो भी ये काम अपने फील्ड में करते हैं उसको ये अपने गांव तक रूरल एरिया तक पहुँचाएँ। और जो भी आज जैसे आजकल चल रहा है यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि आज जैसे BDO साहब थे, उन्होंने बताया कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें और लोगों को बताएं और जो ट्रेनिंग में जो यहाँ सीखा है अपने उस नॉलेज को जो है गांव तक दूर दराज तक ले जाएं जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दो दिन की वर्कशॉप प्रशिक्षण रखा गया है, ये बहुत ही लाभकारी है। और इस कार्यक्रम का जो है ये लोग पूरी तरह से प्रशिक्षण करके आगे जाके जो है न्यूट्रिशन को जो है ग्रस्त करें। और इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम जो था इसमें हमने कुछ स्वच्छता के बारे में भी थोड़ा जागरूक किया और COVID-19 के बारे में इनको बताया कि COVID-19 के लिए जो हमारे पास जो लोग लेफ्ट आउट रह गए हैं, जिन लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो 14 अगस्त तक अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसमें हेल्थ विभाग और हमारे विभाग द्वारा एक सूचियाँ तैयार करके हेल्थ विभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। तो हर जहाँ जहाँ कैंप है उन हम लोगों से हमने शेयर कर दिया। आज हमारा दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ आंगनबाड़ी वर्कर पर, जिसमें उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग है। आज से इनको न्यूट्रिशन के बारे में ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हमने 50 आंगनबाड़ी वर्कर पार्टिसिपेट कर लिए हैं। और जब इनका कल एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको असेस करेंगे इनको कि इन्होंने क्या सीखा है तो उसमें इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हमारी जो वर्कर्स हैं वैसे भी न्यूट्रिशन पर उनको काफ़ी सारी जानकारी है, पर हम ये चाह रहे हैं कि ये और ज़्यादा उसमें इनको जानकारी मिले, इनकी काबिलियत बढ़े, इसीलिए हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कौशल विकास निगम को वो उनके सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम आरम्भ किया है। धर्मपुर से धर्मपाल की विशेष रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।